हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आई होप आप एल्कलॉइड्स के तीनों पार्ट देख चुके होंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। यस, हमने ऑलरेडी तीन पार्ट में देख चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स। इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यस, हम इनमें से बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है और हमें कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे सही आंसर पता करना है। जी हाँ, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट बहुत इजी है, हम उसको हार्ड समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, एंड ये आपका एक रैंक सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। सो इसको याद रखेंगे और हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन of our this video, that is first question says that the reserpine on hydrolysis gives reserpine का जब hydrolysis किया जाता है, when we will hydrolyze the reserpine, what we will get as a product, हमें क्या product मिलेगा। reserpine हमारा किसका chemical constituent है, ये हम जान रहे हैं, हम already देख चुके हैं तीनों वीडियो में, हमने कहीं ना कहीं बात की है reserpine की। जी हाँ, reserpine हमारा किसका chemical constituent है, जल्दी जल्दी बताइए। reserpine हमें मिलता है raw wolfia से। जी हाँ, R for reserpine, R for raw wolfia, जिसको हम छोटा चांद या सर्पगंधा भी बोलते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो बात कर लेते हैं। reserpine का जब hydrolysis करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा reserpic acid plus methyl alcohol plus trimethoxy benzoic एसिड। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, हम किसी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। रॉ वॉल्फिया को देख लेते हैं, क्या होता है रॉ वॉल्फिया और फिर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और फिर उसके बाद हमारा यूजेस। चलिए मूव ऑन टू दी आर एक्सप्लेनेशन पार्ट। सबसे पहले रॉ वॉल्फिया, जिसका सिनोनिम रहता है सर्पगंधा, चंद्रिका, छोटा चांद या इंडियन स्नेक रूट। देखिए, इंडियन स्नेक रूट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क पॉइंट मैंने बता दिया, याद रखिएगा। इस इंडियन स्नेक रूट, जो इसकी रूट होती है वो स्नेक टाइप रहती है, इसलिए इसको हमने बोलिया कि इंडियन स्नेक रूट। सर्पगंधा क्यों बोला, क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं बोला जाता है सर्प मींस सांप। जी हाँ, हिंदी वाला सांप, ठीक है, और इंडियन स्नेक, स्नेक मींस सांप, तो कहीं ना कहीं ये स्नेक से कोरिलेट करता है। चलिए, बायोलॉजिकल सोर्स हमें कहां से मिलता है, हमें मिलता है रूट्स ऑफ रॉ वॉल्फिया सर्पेंटिनिया, सर्पेंटिना। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये रूट से मिलता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमें रेसरपीन मिलता है वो किस पार्ट से मिलता है रॉ वॉल्फिया के, तो हमारा आंसर होगा रूट। नाउ फैमिलीज एपोसाइनेसी, जी हाँ फैमिलीज एपोसाइनेसी। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, जो प्रोमिनेंट एल्कलॉइड्स हैं, प्रोमिनेंट मतलब जो मेजर एल्कलॉइड्स हैं जो रॉ वॉल्फिया में है, वो है रेसरपीन, रेसिनामीन एंड रेसरपीन, ठीक है। अगर हमने रेसरपीन का हाइड्रोलिसिस करा तो हमें मिला रेसरपिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, ट्राइमिथॉक्सी एसिड। जी हाँ, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसका एक यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इट इज यूज्ड इन एंटी हाइपरटेंसिव। ये वाला बाकी यूज इससे बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। सो समझ गए हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है। याद रखिएगा, मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जितनी भी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो जो आपकी स्टडीज में हेल्प करती हैं, आप उनको जरूर अप्रिशिएट करें, और मैं
वरना कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि जो इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, वो आना बंद हो जाएगा और जो बाकी मस्ती वाली वीडियोस हैं वो बहुत हो जाएंगी और हमें एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। कोई भी आपको एजुकेशनल कंटेंट मिले, सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हम ये कवर कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा लोग। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड गिव्स रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद एल्कलॉइड। क्या बोला गया है, एक सॉल्यूशन है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड का, वो कौन सा कलर देता है, रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट कलर देता है अगर उसको एल्कलॉइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। याद रखिएगा एल्कलॉइड के कुछ टेस्ट थे हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, तो रेडिश प्रेसिपिटेट, रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है अगर पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड को एल्कलॉइड के साथ ट्रीट कराते हैं। तो कौन सा टेस्ट होगा हम बता देते हैं कौन सा टेस्ट है। चलिए सबसे पहले द करेक्ट आंसर इज दैट इज ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। जी हाँ, तो अब इसको कैसे याद करना है, अब इसको हमें याद करना है ऐसे कि जो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड है हम उसको ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं एल्कलॉइड के साथ, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कलर प्रोड्यूस हो जाता है, तो रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा। मूविंग ऑन दी एक्सप्लेनेशन, ड्रैगन ड्रॉप की बात करें तो ड्रैगन ड्रॉप में क्या होगा, ड्रग सॉल्यूशन होगा, उसके बाद ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट जिसको हम पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड बोलते हैं, और हमें ऑरेंज रेड कलर मिलेगा या ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नाउ चलिए मेयर्स टेस्ट की बात करें जो सेकंड ऑप्शन था, इसमें हम क्या करेंगे, ड्रग सॉल्यूशन लेंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेयर्स रिएजेंट दैट इज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। देखिए याद करने का, M फॉर मर्क्यूरिक, M फॉर मेयर्स टेस्ट। जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मिलेगा, क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेंट मिलेगा, क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेंट मिलेगा। हेगर्स टेस्ट की बात करें, हेगर्स टेस्ट मीन्स ड्रग सॉल्यूशन विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हेगर्स रिएजेंट दैट इज सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। जी हाँ पूछा जा सकता है हेगर रिएजेंट, तो हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, हमें मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट, सिंपल सी बात समझ गए हैं। वैगनर्स टेस्ट में ड्रग सॉल्यूशन के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वैगनर्स रिएजेंट और डाइल्यूट कर देंगे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, क्या हम इतना कर पाए हैं, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए हैं, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, याद रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन दी थर्ड क्वेश्चन, चलिए विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज ऑक्सीटॉक्सिक इन एक्शन, ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन किस प्लांट का है या किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का है, समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है फार्माकोग्नोसी से, हमें पढ़ के रहना है और हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा मैं आपके साथ हूं, कोई भी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत होगा डोंट वरी मैं आपकी मदद करने वाला हूं, बहुत अच्छे से मस्ती के साथ पढ़ने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्शंस आर इपीकैक, एर्गट, सिंकोनिडीन एंड क्यूनोवीन। तो इनमें से कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या कौन सा प्लांट है जिसका ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन होता है, दैट इज योर एर्गट। जी हां एर्गट का हमारा ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन होता है, याद रखिएगा। चलिए अब एर्गट की कुछ और स्पेसिफिकेशन बता दूं, एर्गट हमारा प्लांट नहीं है, याद रखना एर्गट हमारा एक फंगस है। जी हाँ कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एर्गट हमारा प्लांट है कि फंगस है, एर्गट एक फंगस है, याद रखिएगा, जो राई के प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एर्गट जी हाँ सिनोनिम राई बोलते हैं, राई ऑफ एर्गट, सिकेल कॉर्नेटम, स्पर्ड राई, एर्गट ऑफ राई और सेंट एंटोनी फायर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है सेंट एंटोनी फायर। जी हाँ क्या हम इतना सा कर पाए, जी हाँ समझ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, ड्राइड स्केलेटम ऑफ अ फंगस, जी हाँ फंगस है याद रखिएगा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका मेनली बायोलॉजिकल सोर्स, डेवलपिंग इन द ओवरी ऑफ राई, मैंने क्या बोला फंगस है, कहां पर प्रेजेंट रहती है, ओवरी
होती है राई की, उसके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। फैमिली पोएसी और इसको क्लेविसेप्टेपिसी भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। क्वेश्चन आ सकता है वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है या वाटर इनसॉल्युबल, तो हम क्या करेंगे, हम केवल वाटर सॉल्युबल याद कर लेंगे, एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनीन, और एर्गोमेटिन मेलेट इसका सॉल्ट फॉर्म है, तो बाकी वाटर इनसॉल्युबल होगा। क्या मैंने सही बात बोली? एक पॉइंट याद कर लें जिससे कि हमें सेकंड पॉइंट को जज करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन है, वैसोकंस्ट्रिक्शन और एबॉर्टिफेशन की तरह यूज किया जाता है। क्या इतना सा नहीं बता सकते बच्चा लोग? जी हाँ सर, बता सकते हैं। तो हो गया है आंसर, ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सी ड्रग हमारा या कौन सा प्लांट माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज किया जाता है, यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, कैंपोथिका, कोल्चिकम, वेरेट्रम और क्यूरेरे, कौन सा यूज किया जाता है। देखो कैंपोथिका तो नहीं होगा क्योंकि ये तो कैंसर ट्री है सर, कैंसर ट्री है ये तो, हम ऑलरेडी निकल गया है हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब बाकी तीन ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, दैट इज योर क्यूरेरे। जी हाँ, क्यूरेरे हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज किया जाता है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं अबाउट क्यूरेरे। सिनोनिम है इसका साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन। एरो पॉइजन देखिए बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इसको याद रखिएगा। एरो पॉइजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पर कुछ ट्राइबल्स लोग, कुछ आदिवासी लोग अपना जो एरो होता है, जो भाला होता है, उसको शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए एनिमल्स का यूज करते थे और उस पर यहाँ पर कॉर्नर पर टिप पे क्यूरेरे लगा देते थे। क्यों लगा सकते थे, क्यों लगाते थे याद रखिएगा, क्योंकि जो क्यूरेरे है वो उसका मेनली यूज होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। जैसे ही वो हंट करेंगे या जैसे ही वो एनिमल को मारेंगे तो क्या होगा, जो एनिमल है उसकी सारी मसल रिलैक्स हो जाएंगी और वो वहां पे अनकॉन्शियस हो जाएगा, इसलिए इसको एरो पॉइजन बोला। एरो पर हम उसको लगा देते थे तो एज अ पॉइजन काम करता था। और आउरी बोलते हैं, उरारी बोलते हैं, वुरारी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, क्रूड ड्राइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेम ऑफ कोनेंड्रोडन टोमेंटोसम और फैमिली है इसकी मेनिस परमिएसी, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डी ट्यूबर क्यूरेनिन, इसका मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इतना समझ गए हैं। यूज की बात करें, हाइड्रोफोबिया, कोलेरा और टेटनस। जी हाँ, इसका यूज है हाइड्रोफोबिया, कोलेरा एंड टेटनस, और मेनली जो बता देता हूं मैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में यूज होता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। जी हाँ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर देता है आपकी, एंड मेनली जो आंसर है यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या इतनी सी बात नहीं समझ पाए? अरे क्यूरेरे का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं क्यूरेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्यूरीन एल्कलॉइड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिंग्स। प्यूरीन जो एल्कलॉइड्स होते हैं, जो प्यूरीन एल्कलॉइड्स मैंने बताया था, प्यूरीन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, कल हमने थर्ड पार्ट में बात की थी, प्यूरीन एल्कलॉइड्स के लिए टेस्ट होता है म्यूरोक्साइड टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसलिए भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन है, कौन कौन सी दो रिंग कंटेन करता है, क्या वो इमिडाजोलिन और पायरिमिडीन रिंग कंटेन करता है, क्या वो इमिडाजोलिडीन और पायरिडाजीन, और क्या इमिडाजोल और पायरिडाजीन और इमिडाजोल प्लस पायरिमिडीन रिंग, सो कौन सी कंटेन करता है। चलिए बात करते हैं, द करेक्ट आंसर इज इमिडाजोल एंड पायरिमिडीन रिंग कंटेन करता है प्यूरीन एल्कलॉइड। क्या इतनी सी बात नहीं समझ पाए? जी हाँ, समझ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। फार्माकोग्नोसी को इजी बनाना है फार्मेसी इंडिया के साथ। जी हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप अच्छा एक टेस्ट सीरीज लेने का कोशिश कर रहे हैं, देन यू हैव टू, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जस्ट विजिट ऑन द फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, एंड ट्रस्ट मी दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले प्यूरीन जो एल्कलॉइड होता है वो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक क्या बोला मैंने, हेट्रोसाइक्लिक मतलब
कार्बन के अलावा जो कोई एटम प्रेजेंट रहेगा रिंग में तो उसको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। सपोज करें, चलिए बेंजीन हमारा क्या होगा, बेंजीन होगा हमारा होमोसाइक्लिक, क्योंकि सब में कार्बन है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, चलिए फ्यूरान का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा फ्यूरान हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने मैं मार्कर चेंज करके समझा देता हूँ बच्चा लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा इस कॉर्नर पर कार्बन, ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, पर ये ऑक्सीजन है हमारा। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कार्बन के अलावा, अदर देन कार्बन जो एटम प्रेजेंट है उस एटम को तो बोलेंगे हेट्रो एटम, हेट्रो एटम, और जो रिंग है उसको पूरा बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या मैंने सही बात बोली? जी हाँ सही बात बोली, तो हम इतना समझ गए हैं। तो कौन कौन सी रिंग कंटेन करता है, दो रिंग, दैट इज इमिडाजोल एंड पाइरिमिडीन। सर हमें तो पता ही नहीं इमिडाजोल और पाइरिमिडीन रिंग कौन सी होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब आपके सामने है पिक्चर, ये कितनी अच्छी पिक्चर है, अरे सर समझ में आ गया, इतनी अच्छी पिक्चर से अब नहीं भूलेंगे। कौन कौन सा है, सबसे पहले पाइरिमिडीन है और सेकेंड रिंग हमारा है इमिडाजोल। क्या हमें समझ में आ गया है? जी हाँ सर समझ में आ गया है, पर याद रखिएगा जो इनमें नाइट्रोजन यूज किए गए हैं, नाइट्रोजन जो है वो इसमें हेट्रो एटम है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो नाइट्रोजन है ये हेट्रो एटम है, तो इसीलिए तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोली। तो क्लियर हो गया, चलिए मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, That is the term alkaloid was proposed by, ये बहुत important है, pharmacist या drug inspector में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ही important है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो alkaloid term है वो किसने दिया था, ये एक बहुत important बात है समझने की, किसने दिया था। साइंटिस्ट के नाम आपके सामने हैं, एरिस्टोटल इन 1800, मेसनर इन 1819, गैलीलियो 1800 एंड न्यूटन इन 1810। जी हाँ किसने दिया था, जल्दी जल्दी बताइए, मैं बता चुका हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डिस्कस भी किया हूं। द करेक्ट आंसर इज मेसनर ने ये हमें एल्कलॉइड टर्म दिया था। चलिए एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एल्कलॉइड सबसे पहले होता क्या है, एल्कलॉइड हमारा एक या एक से ज्यादा कंटेन रिंग करता है, और जो कि और मेनली नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है कार्बन वाली रिंग में, ठीक है सबसे दूसरी बात। और याद रखिएगा जो मेस्कलीन है कुछ एल्कलॉइड्स में, जो जैसे कि एक्स मेस्कलीन, उसमें नाइट्रोजन एटम नहीं रहता। एल्कलॉइड की अगर मैं बात करूं छोटी छोटी सी, कि नाइट्रोजिनस है, एल्कली नेचर है, मेसनर ने दिया था। क्या बोला मैंने, मेसनर ने दिया था टर्म नाइट्रोजिनस है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेन करता है अपनी रिंग में, और दूसरा एल्कली मतलब बेसिक इन नेचर है। क्या मैंने बताया, बस केवल एक एक्सेप्शनल है मेस्कलीन, इसको हम याद रखेंगे, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। चलिए द टर्म एल्कलॉइड एल्कली लाइक टिपिकली आर डिराइव फ्रॉम अ प्लांट सोर्स एंड आर बेसिक इन नेचर, क्या हमने बताया, एंड वन कंटेन क्या करता है, वन और मोर नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है याद रखिएगा, इन देयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या ये हमें क्लियर हो गया है? जी हाँ हमें क्लियर हो गया है। नाउ अब बेसिक नाइट्रोजन बीइंग द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ एल्कलॉइड्स, ठीक है ना, जो एल्कलॉइड है वो हमें दिया गया है मेसनर ने इन 1819 में। क्या ये बात क्लियर हो गई है? जी हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन दी नेक्स्ट पॉइंट, ये याद रखिएगा कोनीन जो है हमारा फर्स्ट एल्कलॉइड है जिसका हमने स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया था। क्या हमें इतनी सी बात समझ में आ गई? सर समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट्स याद रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, याद रखिएगा ये पॉइंट्स जरूर लिखिए, अभी लिखिए अपनी कॉपी में, मैं आपके साथ आपके पास में यहीं पे अवेलेबल रहूंगा। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ, दैट इज एजमेलिन एंड एजमेलिसिन आर प्रेजेंट। सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमने पहला पार्ट या दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट देखा होगा एल्कलॉइड का, तो हम ये बिना बताए बिना सॉल्यूशन देखे बता सकते हैं। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कमेंट बॉक्स से इसलिए हेल्प हो जाएगी, तो आपको एक दूसरे के कमेंट्स देखने में भी हेल्प मिलेगी, और आपको एक क्या पता किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ हो और आपको वहां से एक क्वेश्चन सही मिल जाए।
जाए, कमेंट जरूर करें, ठीक है। नाउ क्या है द करेक्ट आंसर इज, किसका है? रॉवोल्फिया। जी हाँ, रॉवोल्फिया को हम क्या बोलते हैं? सर्पगंधा बोलते हैं। सर एक नाम ये बोला था अभी हमने, सर्पगंधा, ठीक है। दूसरा बोलते हैं इंडियन स्नेक रूट, अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा इंडियन स्नेक रूट, ठीक है, इंडियन स्नेक रूट। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या बोले? रेसरपीन रहता है सर इसमें, रेसरपीन। और क्या याद रखें? एंटी हाइपरटेंसिव यूज होता है, एंटी हाइपरटेंसिव यूज होता है। और बताइए और क्या यूज होता है? रेसरपीन का हमने हाइड्रोलिसिस देखा था, और इससे ज्यादा तो हम कुछ पढ़ नहीं सकते इसमें। और एरगट हमें पता है, एरगट हमारा क्या है? राई है, फंगस है। सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। लिकोराइस को हम मुलेठी बोलते हैं। क्या सारी चीजें क्लियर हुई? लिकोराइस को हम ग्लाइसिराइजा भी बोलते हैं, यस्टी भी बोलते हैं। अरे और क्या जानेंगे, सारी चीजें तो जान ली। चलिए नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा वही बात किया है हमने, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख चुका है, यही हमने पहले देख चुके हैं। सो चलिए नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज मेडोसेफ्रेन सीड इज, दैट इज लिंसिड, नक्स वोमिका, कोल्चिकम सीड और कोकोआ। मेडोसेफ्रोन सीड कौन सा है? सिनोनिम है किसका है? कोल्चिकम सीड को मेडोसेफ्रोन सीड बोलते हैं, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी अपना आंसर कोई नहीं मैंने यहां पर लिख दिया है, पर फिर भी कमेंट जरूर करें, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और मेरे को भी पता लगे कि आपने क्या आंसर दिया, ठीक है। नाउ चलिए एक्सप्लेनेशन, कोल्चिकम और ओटमन क्रोकस बोलते हैं और मेडोसेफ्रोन भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राई ड्राइव सीड्स एंड कॉम्स ऑफ कोल्चिकम एक्यूटिम मेनिले। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है सर इसमें से, कैसे पता करें? देखिए ये पूछा जा सकता है, कॉम से मिलता है, ड्राई ड्राइव सीड से मिलता है, फैमिली लिलिएसी, कोल्चिसिन, डिमिकोलसिन एंड रेजिन एंड कोल्चिकोरिसिन इसका मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूजेस, यूजेस में याद रखिएगा, गाउट और रूमेटिक कंप्लेंट्स, रूमेटिक अर्थराइटिस में यूज होता है, रूमेटिक प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही पॉइंट पूछा जा सकता है कि कोल्चिसिन का यूज क्या है। फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं, ये यूज पूछा जा सकता है। चलिए ये इतना पता कर लिया है। नाइन्थ क्वेश्चन पर बात करते हैं, द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ फॉर द माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुर्ची। कुर्ची की माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर बताना है कि हम कुर्ची को कैसे पहचानेंगे, उसमें ऐसी क्या खास बात होगी कि हम उसको पहचान जाएंगे। जी हाँ, क्या है? सबसे पहले हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स रहती हैं, हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स उसमें कुर्ची की बार्क में रहती हैं, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सबसे पहले कुर्ची बार्क, होलेरेना भी बोलते हैं और कुर्ची बोलते हैं इसको हिंदी में, और होलेरेना एंटी डिसेंट्रिका से मिलता है, एपोसाइनेसी फैमिली है। नेक्स्ट बात, प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल स्टोन सेल से रहती हैं और हॉर्स शू शेप्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल से रहती हैं और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, और बाकी तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं। कुर्ची से क्वेश्चन आ सकता है तो हॉर्स शू शेप्ड या एपोसाइनेसी फैमिली पूछी जा सकती है या उसका मेनली बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द एल्कलॉइड फाउंड इन द बार्क एंड रूट एंड वुड ऑफ नक्स वोमिका रेस्पेक्टिवली इज, क्या मिलता है हमें जो बार्क में भी प्रेजेंट रहता है, रूट में भी और वुड में भी? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें और फिर इसको पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, एल्कलॉइड टॉपिक का। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रूसिन एंड स्ट्राइकनीन, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नक्स वोमिका के बारे में। नक्स वोमिका को मेनली सीमेन स्ट्राइकनीन बोलते हैं, पॉइजन नट भी बोलते हैं और डॉग बटन्स भी बोलते हैं। क्रोफिक्स सीड ये पूछा जा सकता है, नक्स वोमिका जो का जो पूछा जा सकता है ये पूछा जा सकता है, क्रोफिक्स सीड, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है पर इसको याद जरूर कर लें, ये पूछा जा सकता है। मेनली फैमिली लोगिनेसी और जो मेनली यू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन रहता है, ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट रहता है, वो होता है लोगेनिन, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए हैं। बिटर की तरह यूज किया जाता है, एपेटाइट इंक्रीज करता है और इंक्रीज करता है
स्टिमुलेट करता है प्रस्टालिसिस, तभी हम लोगों की भूख बढ़ाने में काम करता है, एपिटाइट को इंक्रीज करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके वीडियो समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश पूरी जान लगा दी आपको ये चीजें समझाने में। अच्छे से पढ़ते रहिए, फार्माकोग्नोसी कोई हार्ड सब्जेक्ट, कोई भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। हमें जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर में अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लाना है, क्वालिफाई करना है। फेस इट, फाइट इट एंड अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।